नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुशवाहा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टार में। दोस्तों, इस समय लगभग सभी क्षेत्रों में गेहूं की बुआई हो चुकी है और दिसंबर जनवरी का मौसम चल रहा है और इस समय गेहूं में पीला रतुआ रोग होने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसे में समय रहते अगर हम इस रोग का निवारण नहीं करेंगे तो हमारी गेहूं की फसल बर्बाद भी हो सकती है। निम्न तापमान और उच्च आर्द्रता पीला रतुआ रोग के स्पोर के अंकुरण के लिए सही होता है। हाथ से छूने पर धारियों से कुछ फफूंद के बीजाणु पीले रंग की तरह हाथ में लगते हैं और जब फसल इसकी चपेट में आ जाती है तो पैदावार नहीं होती। जैसा कि आपको पता ही है, इस साल मौसम का भी गड़बड़ है और कभी बादल होते हैं, कभी छाव होती है और कभी धूप गिर रही है और जो हमारे खेतों में नमी होती है वह परस्पर बनी हुई है। कहने का साफ मतलब यह है कि हमारी फसल में जो नमी है वह सूख नहीं रही है। जितनी धूप दिन में गिरती है उतनी ही शाम में ओस पड़ने के कारण ज़मीन गीली हो जाती है और ज़मीन में ज़्यादा नमी बनी हुई होती है और ज़्यादा नमी के कारण ही पीला रतुआ रोग होता है। और जो नमी वाले क्षेत्र हैं ज़्यादातर यह उन क्षेत्रों में ही दिखाई देता है। पत्तों का पीला होना ही पीला रतुआ रोग नहीं होता। पत्ते आपके दूसरी बीमारी के कारण भी पीले पड़ सकते हैं। सामान्य पीलापन पोषक तत्वों की कमी, ज़मीन में नमक की मात्रा ज़्यादा होना वो पानी के ठहराव के कारण भी आपके गेहूं पीले पड़ सकते हैं और उनकी पत्तियां पीली हो सकती है। पीला रतुआ बीमारी में गेहूं के पत्तों पर पीले रंग का पाउडर बनता है जिसे कि अगर हम हाथ से छुएंगे तो हमारा हाथ पीला हो जाएगा। सबसे पहले गेहूं की पत्तियों पर पीले रंग की धारियां आ जाती हैं और धीरे धीरे पूरी पत्तियां ही पीली हो जाती है और वह पीला पाउडर ज़मीन पर भी आप गिरा हुआ देख सकते हैं। पहली अवस्था में यह रोग केवल 10-15 पौधों पर ही दिखाई देगा और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा और अगर आपने इसका उपचार नहीं किया तो यह धीरे धीरे पूरे खेत में भी दिखाई देता है और यह फैल जाएगा। जब तापमान बढ़ जाता है तब यह पीली पत्तियां काले रंग में बदल जाती हैं और जल जाती हैं। तो किसान साथियों, अगर आपने गेहूं की फसल लगाई है तो आप उसका बराबर से ध्यान रखें। अगर आपके गेहूं में यह रोग लग गया हो तो जल्दी से जल्दी इसका उपचार करें क्योंकि यह बहुत ही घातक बीमारी हो सकती है आपके लिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके उपचार की। तो जैसे ही आपको इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, आप 200 मिलीलीटर प्रोपीकोनाजोल 25% ईसी या फिर पायराक्लोट्रोबिन का छिड़काव करें पानी के साथ और बिल्कुल तर कर दें। छिड़काव अगर इस रोग का प्रकोप आपके खेत में बहुत ही अधिक मात्रा में हो तो आप इसका छिड़काव दोबारा से कर दें। तो दोस्तों, यह थी जानकारी पीला रतुआ रोग के बारे में और उसके निवारण के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, यह जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसी कुछ नई जानकारी लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जानकारी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारी कृषि संबंधी जानकारी मिलती रहे।